श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी माता रानी का श्रृंगार शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से माता रानी को तैयार करती हूँ। अब देखा जाए तो इस बार कुछ खास ओकेशन है जो कि मैं अपने शिव भक्ति मार्ग परिवार के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं माता रानी को पायल पहनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ किस ओकेशन के लिए मैं माता रानी को तैयार करूंगी। और आप सब भी वेट करिएगा क्योंकि मैं इस बार आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अब वो व्लॉग किस ओकेशन पे है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा प्लीज सुनिएगा, क्योंकि क्या है, कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। एक्चुअली पहले मैं माता रानी को पायल पहनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। पहले माता रानी को पायल पहना दूँ, तो ये हमने माता रानी को पायल पहना दी है। एक्चुअली क्या है, ड्रेस ये चिपक नहीं रही है। ड्रेस पहनाने से पहले ही ना पायल पहना दो तो वो थोड़ा सा ना इजी हो जाता है, वरना क्या होता है, ड्रेस पहनाने के बाद यदि आप बाद में कुछ श्रृंगार करने की जो कोशिश करते हैं ना, वो फिर थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो यहाँ पर मैं ग्लू से चिपका रही हूँ, ये देखिएगा इस टाइप का ग्लू आता है, अगर आपको कुछ भी चिपकाना है ना तो इसके थ्रू आसानी से चिपक जाता है। तो सबसे पहले हम जरा पायल चिपका दें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस ओकेशन पे मैं आज इन्हें तैयार कर रही हूँ। क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं नवरात्रि पे इन्हें तैयार करती, पर वो होता है जैसी किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वैसा होता नहीं है, क्योंकि सोचते तो हम बहुत कुछ है पर जो इन्होंने चाहा है वही होगा। तो इसीलिए इनका मन नहीं था कि नवरात्रि पे मुझसे तैयार हूँ, तो मैं इन्हें नवरात्रि पर तैयार नहीं कर पाई थी। पर अब मैं इन्हें तैयार कर रही हूँ। कल हमारे यहाँ पे आप सभी को पता होगा, जैसे भोपाल के आगे ना बासोदा करके एक जगह है, वहां से पुरोहित जी आए हैं यानी पंडित जी, जो कि कल घर पर शिव मूर्ति जो होती है यानी शिव परिवार का वो निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग जैसे बनाते हैं और पूरा शिव परिवार जो मिट्टी का बनता है, तो वो कल बनेगा हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो इस ओकेशन पे, क्योंकि देखिए बिना भगवान की इच्छा के तो कुछ होता नहीं, आप सभी जानते हैं, तो वो ओकेशन है जिसपे मतलब हम लोगों ने सोचा कि पूजा पाठ करवाया जाए। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि यहाँ वहाँ पैसा खराब करने से बेटर है कि आप कुछ पूजा पाठ संबंधी कोई कार्य आप अपने जीवन में करवाएं। इससे होता क्या है, घर में एक आशीर्वाद भी बना रहता है भगवान का, और दूसरा कि आपका किसी अच्छे कार्यों में मन भी लगता है। तो ड्रेस हो रही है थोड़ी सी बड़ी। अब ड्रेस का रीज़न मैं बताती हूँ, मैं मार्केट में जब गई थी ना तो मुझे ड्रेस बहुत पसंद आई थी, पर इस ड्रेस का भी मेरे पास है तोड़ है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी। इसे चौकी पे जब मैं माता रानी को अपनी बिठाती हूँ ना तो ड्रेस प्रॉपर तरीके से आ जाती है, तो इसीलिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इसको ड्रेस को थोड़ा सा ऐसे ऊंची करके जब चौकी पे बिठाऊंगी ना, मैं आपको शेयर करूंगी, तो ये ड्रेस ठीक हो जाएगी। तो अभी ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है क्योंकि अभी हमारी माता रानी तैयार नहीं हुई है, तो अभी जब सेटल डाउन हो जाएगी ये तब मैं आपको बताऊंगी जब मेरी मैया चौकी पे विराजमान होंगी। तो इस तरह से मैं इन्हें तैयार करूंगी अभी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, तो व्लॉग में आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी क्योंकि वो बहुत ही मतलब देखने लायक मूर्तियां होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मूर्तियां अभी बात करने लगेंगी। तो इस तरीके से लहंगा मैंने जब मैं चौकी पे बिठाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगा। आई नो ये लहंगा थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर वो होता है ना, जो चीज़ सुंदर लग रही हो और जो इनकी इच्छा है वही होता है। तो लहंगा मैंने पहना दिया माता रानी को। अब सबसे पहले हम पहनाएंगे चोकर नेकलेस। माता रानी चोकर वाला हार पहनेंगी और सज धज के तैयार होंगी। ये सारी चीज़ें पता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कब, जब मैंने आपके साथ इंदौर का शॉपिंग हॉल शेयर किया था। ये थोड़ा सा लूज़ करूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे यहाँ पर, तो इसे थोड़ा सा हम लूज़ कर देंगे। तो मैं वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही थी कि उसका व्लॉग मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी कि कैसे मूर्ति बनी, कैसे अभिषेक हुआ, मतलब सारी चीज़ें एक एक करके। तो व्लॉग आप ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैं माता रानी को ये वाली कंगन पहना रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना डार्क पिंक कलर के नहीं थे, तो कुछ ये पीचिश कलर के हैं, कुछ ये रेडिश कलर के हैं। तो पहले मैं माता रानी को हाथों में कंगन पहना दूंगी। पहले इधर हाथ में मैं पिंक पहनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पीचिश कलर में जा रहे हैं, मुझे ना सेम कलर नहीं मिल पाया था तो मैं यही वाले ले आई थी। तो पहले कंगन पहना दूंगी। ये साथ में भी आठों हाथों में पहनाएंगे, सॉरी
रेड वाला लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो कलर नहीं मिल पाया था। मैंने ढूंढा बट वो होता क्या है कि कई बार कोई चीज़ जल्दी से मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। अब मुझे बताना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैंने नवरात्रि के टाइम पर ली थी, पर मैं तैयार कर ही नहीं पाई थी उनको, और मेरी हेल्प करने वाला कोई था भी नहीं, तो मुझे तो खैर करना नहीं था, तो मेरी मदर इन लॉ ने तैयार कर दिया था माता रानी को। तो देखिए ये इस तरह से हमने कंगन पहना दिए। अब जो बाकी है पिंक और रेड के कॉम्बिनेशन में मैं पहना दूंगी। ये वाले कंगन क्या होता है, इजीली आपको कहीं पर भी जल्दी से मिल जाते हैं। जैसे मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत खास बहुत वैसा डिज़ाइन है कि मिलता नहीं है, ये वाले कंगन ना इजीली मिल जाते हैं। तो ये मैं कॉम्बिनेशन में पहना रही हूँ ताकि वो क्या सेम सेम कलर भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो सब ऊपर के दोनों हाथों में हम पहना देंगे, क्योंकि माता रानी अष्टभुजाओं वाली हैं तो आठों हाथ में इन्हें कंगन तो पहनाने पड़ते हैं। तो ये आठों हाथ में मैं कंगन पहना दूंगी। अब मैं आपको बताऊं, मैं मतलब अराउंड मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं बस घरों की सफाई करते 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 करते, बस लास्ट मेरा मंदिर बचा था तो मैंने मंदिर की क्लीनिंग करी। उसके बाद देखिए अब हम पहले माता रानी को मंगलसूत्र पहना देंगे, क्योंकि बिना मंगलसूत्र के तो माता रानी का श्रृंगार ही अधूरा है। तो हमने ये मंगलसूत्र पहना दिए। अब हम पहनाएंगे माता रानी को नौलखा हार, जो कि ये मैंने आपके साथ शेयर किया था और सबने मुझे पहले बोला था कि माता रानी को आप यही वाला हार पहनाइएगा। तो ये हार मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब माता रानी को भी पसंद है, क्योंकि अपनी पसंद से तो देखिए कुछ भी नहीं होता है, इनकी पसंद इनकी मर्जी के बिना तो हम इन्हें तैयार ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जब आप भगवान को तैयार करते हो या कुछ भी मतलब भगवान की पूजा पाठ कुछ भी करते हो ना, तो साथ में इनका सहयोग होता है तब हम कर पाते हैं। बिना सिर्फ देखिए हमारी मर्जी से तो कभी कुछ भी नहीं होता। सोचते तो देखिए हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, पर इनकी मर्जी के बिना आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता इनकी मर्जी के बिना। तो तैयार करना तो इन्हें बहुत दूर की बात है। अच्छा ये मंगलसूत्र के बारे में बताऊँ, ये मंगलसूत्र ना बहुत लंबा था तो मैंने इन्हें छोटा करवाया था स्पेशली इनके लिए, क्योंकि मेरी माता रानी ये वाला मंगलसूत्र पहनेंगी तो इनके लिए मैंने इसे छोटा करवा दिया था। वो तो बहुत पसंद आया था, जब मैं मार्केट गई थी ना तो इसका साइज़ ना बहुत ज़्यादा लंबा था, मुझे वही लगा था कि मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करवाना है। तो आप मुझे देख के बताना आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ से बस तैयार करना समझ में आ रहा है कि मैं इन्हें किस तरह से तैयार कर रही हूँ। अब ये इन्होंने सारी चीज़ें पहन ली हैं, अब इसके बाद हम इन्हें लगाएंगे बिंदी, क्योंकि बिना बिंदी के तो माता रानी का श्रृंगार अधूरा है। तो मैं इन्हें बिंदी लगाऊंगी। बिंदी के लिए अभी मेरे पास गोल वाली बिंदी का डिज़ाइन है जो मैंने पिछली बार लगाई थी। तो बिंदी तो खैर मैं 4 ले आई थी, क्योंकि क्या होता है कई बार ना गिर जाती हैं चीज़ें, इधर उधर हो जाती हैं, तो मैं एक्स्ट्रा ही ला के हमेशा रखती हूँ। और ये सारा श्रृंगार जो है ना मैं कहाँ से लेती हूँ आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं रहती हूँ, मतलब मेरी मम्मी का घर है इंदौर में, तो मैं अक्सर जब जाती हूँ तो मारोठिया जो मार्केट है ना, बहुत ही अच्छा मार्केट है। यदि आपके भी कोई रिलेटिव रहते हैं या आसपास में, मतलब आपको लगता है कि आप कभी इंदौर जा सकते हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर माता रानी का श्रृंगार लेकर आइएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बिंदी लगा दी है, कैमरा पता नहीं फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, पर मैं आपको लास्ट में तैयार करके पास से बिल्कुल दिखाऊंगी कि मैंने कैसे तैयार किया है। अब आप अच्छा पहले मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ड्रेस अच्छी लगी नहीं लगी, क्योंकि अभी मैं नवरात्रि पे गई थी, ये मैंने तभी खरीदी थी। एक माता रानी के यहाँ पे मैं हाथ में लगा दूंगी, तो ये इस तरह से मैंने एक हाथ में आशीर्वाद देने वाले हाथ में लगा दी है। अब इसके बाद ये है तो मतलब ये इयररिंग टाइप मैंने सोच के लिया था, पर वो कानों में तो एडजस्ट नहीं हुए, तो मतलब मम्मी ने ना मेरी मदर इन लॉ ने यहाँ पे लगा दिए थे, तो यहाँ बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मेरा भी मन था कि जब मैं इन्हें तैयार करूँगी ना तो मैं इन्हें यहीं पे लगा दूंगी। मैं तो इयररिंग सोच के लाई थी पर ये इयररिंग नहीं थे, तो फिर मम्मी ने ना यहाँ पर लगा दी, क्योंकि उस टाइम मम्मी ने ही तैयार करा था, मुझे तो करना नहीं था। उसके बाद अष्टमी मैंने पूजा करी थी, तो अष्टमी का ना मैं ब्लॉग तो खैर नहीं शेयर कर पाई थी, बट कल का ब्लॉग मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, आप प्लीज़ देखना। मतलब देखने से ही मतलब होता है ना कि किसी चीज़ के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो बिल्कुल आपको ऐसा अनुभव होगा
जब बनाते हैं ना वो मिट्टी की मूर्ति और उनका श्रृंगार वगैरह होता है, तो ऐसा लगता है कि हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है इस पूजा से। तो कल अभिषेक वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी, तो मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ लॉक शेयर करूंगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लगा दिए ईयरिंग्स टाइप, ये सॉरी ईयरिंग्स तो नहीं लग रहे हैं पर ये यहाँ मुकुट पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने इन्हें एडजस्ट कर दिया है। पहले तो मैं सच बात बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता होता था कि मैं कैसे क्या करूं, पर वो होता ना धीरे धीरे जब आप भगवान को तैयार करने लगते हो, बहुत सारी चीजें आप देखते हो सोचते हो, तो धीरे धीरे अपने आप देखिए चीजें होने लग जाती है। वो होता है ना जब आप कुछ करने लगते हो तो भगवान भी सहयोग देते हैं। तो बस इस तरह से अब मैं थोड़ा सा ये दुपट्टा एडजस्ट कर देती हूँ। गलती मैंने एक क्या कर दी कि पहले मुझे दुपट्टा एडजस्ट करना था उसके बाद श्रृंगार करना था, बट ठीक है अभी मैं इसको करती हूँ ठीक। थोड़ा सा ये आ जाएगा हाथों से लेते हुए यहाँ पे, वो होता है करते करते देखिए कुछ चीजें समझ में आती हैं, बट मैंने कोशिश पूरी करी कि अच्छे से थोड़ा सा कर पाऊँ मैं एडजस्ट करके। तो ये आ गया माता रानी का दुपट्टा, अब ये हो गया। इसके बाद कलीरों के लिए मैंने पता है क्या कर रखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी। पहले मैं ये माता रानी को हार पहना देती हूँ। अब इस हार की स्टोरी मैं आपको बताऊँ, इस हार के पीछे ये बात थी कि ये मैंने ना अपने लिए ऑर्डर किया था, बट क्या होता है जब भी मैं कुछ नई चीज़ मंगवाती हूँ ना तो उसे खुद पहनने की जगह पहले माता रानी के चरणों में जरूर रखती हूँ। नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि का तीसरा चौथा दिन था जब मैंने पूजा करी थी, तब ये मेरा नेकलेस आया, मैंने माता रानी के गले में डाला, इनके ऊपर इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि फिर मैं इसे अपने लिए यूज़ करूँ, तो ये मैंने माता रानी के लिए ही फिर रख दिया था। जब मैं इन्हें तैयार करती हूँ तो मैं इन्हें ये पहनाती हूँ, इनको बहुत मतलब इनके ऊपर खिलता भी बहुत है। तो वो है, हम तो खैर इंसान हैं, हम तो चीजें सोचते हैं बट इन्हें जैसा करवाना होता है ये अपने आप करवा लेती हैं। मेरी मैया की तो बात ही निराली है। ये देखिए ये अभी ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पर होगा क्या, अभी जब मैं इसे मंदिर में मतलब मेरी माता रानी की मूर्ति जब मैं मंदिर में रखूंगी ना तब आप खुद देखना, क्योंकि वो क्या है चौकी थोड़ी सी हाइटेड है, तो जब मैं रखूंगी ना तब आपको बहुत मतलब खिल के इनका रूप दिखेगा कि कितने अच्छे तरीके से मेरी मैया तैयार हुई है। तो ये हो गया, अब हम हाथों में कलीरे पहना देंगे। अच्छा कलीरे के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। देखिए ये इस टाइप के ना मैं कलीरे लेकर आई थी, पर इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, अगर मैं ये कलीरे यहाँ पे पहनाती हूँ ना तो ये आ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़े हैं। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्योंकि देखिए चीज़ें तो हम ही बनाते हैं, ये लटकन जो होती है ना ये वो लेकर आई थी मैं, तो ये लटकन से मैंने ये कलीरे ऐसे सोचा था कि मैं लटकन से इन कलीरों को बना दूंगी, और लटकन तो खैर मैं और भी लेकर आई थी, पर वो मैंने बताया ना जो ये चाहती हैं इनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैं नहीं बना पाई थी। पर मैं जब भी लटकन मतलब कलीरे बनाऊंगी ना लटकन से तो आपको बताऊंगी कि कलीरे किस टाइप से आप बना सकते हो। तो अभी तो फिलहाल मैं इन्हें यही वाला पहना रही हूँ, ये थी लटकन पर मैंने इसे एज अ कलीरे यूज कर लिया है। तो जब अगर आपको भी लगता है ना, क्योंकि देखिए श्रृंगार जब हम प्रॉपर करते हैं ना तो मतलब मैया का रूप ही निखर के आता है अलग से। तो ये है कि देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो कुछ आपको लगाना पड़ता है दिमाग कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है हर चीज़ आपके आसपास उपलब्ध हो या आपको मिल पाए। तैयार करने का मन तो हमारा बहुत होता है, कई बार हमारे पास चीज़ें नहीं होती। अब ऐसे करके ना मेरे पास एक पायल भी रखी थी जिससे मैं ना आपको कमरबंद बना के बताऊंगी कि माता के लिए आप कमरबंद किस तरह से बना सकते हो। तो ये एक हाथ का कलीरा हो गया, दूसरे हाथ में भी हम डाल देंगे। ये सब मेरे पति देव की करामात है, लास्ट टाइम उन्होंने ही मम्मी के साथ हेल्प करी थी ये करने में। तो बस अब कल पति देव के बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं अभी घर में उनके लिए, क्योंकि पूजा का आयोजन किया गया है। तो पूजा कैसे होगी क्या होगा आप प्लीज पूरा देखिएगा, मैं आपके साथ ब्लॉग बिल्कुल शेयर करूंगी। अच्छा ब्लॉग अगर आपको देखना है ना सच में देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि अगर आपको व्लॉग देखना है आप चाहते हो देखना। ये तो था मेरी मैया का श्रृंगार, श्रृंगार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं चुनरी देख रही हूँ कि मैंने चुनरी कहाँ रख दी है माता रानी की चुनरी, क्योंकि मैं लेकर तो आई थी पिंक कलर की चुनरी, तो रुकिए मैं थोड़ा सा देख के ढूंढ के बताती हूँ कि मैंने कहाँ रख दी है। तो ये मिल गई है मुझे उनकी चुनरी, क्योंकि चुनरी ना मैं नीचे ही भूल गई थी जल्दी जल्दी में, तो ये मैं माता रानी को चुनरी उड़ा दूंगी। और चुनरी देखिए पता है मैं कहाँ से लाई थी, मैं इसका भी बताती हूँ, ये अराउंड ओनली 120 रुपीज की चुनरी थी और ये बहुत ही अच्छी मतलब प्राइस वाइज इसका वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये ली थी मैंने मारोठिया से, क्योंकि मैंने हर चीज़ वहीं से लाती हूँ इंदौर जब जाती हूँ,
क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में ना बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो ये देखिए, ये मेरी मैया का हो गया श्रृंगार पूरा। देखो मैं पास से आपको दिखाती हूँ, और जब अभी मैं मंदिर में जब लेकर जाऊंगी तो ये देखिए, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा अच्छे से, पर मैं पूरी कोशिश कर रही कि आपको दिखाने की। तो इस तरह से मैंने अपनी माता रानी को तैयार कर दिया है कल के ओकेशन के लिए। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कल के लिए आप ज़रूर बताना, मैं व्लॉग बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।